नमस्कार, मैं सिमरनजीत बिहारी न्यूज से। आखिर इस देश का नया गृह मंत्री अमित शाह को क्यों बनाया गया? राजनाथ सिंह जी में ऐसी कौन सी कमी थी जो उन्हें दूसरे मंत्रालय का प्रभार दे दिया गया? देश की नई नवेली सरकार बन चुकी है। इस बार राजनाथ सिंह की जगह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को गृह मंत्रालय की बागडोर सौंपी गई है। लोगों के मन में सवाल चल रहा है कि आखिर अमित शाह में ऐसी कौन सी खूबी है, क्या खास बात है जिनकी वजह से उन्हें गृह मंत्री जैसा महत्वपूर्ण जिम्मा सौंपा गया है। आम तौर पर हमारे देश में ऐसा माना जाता है कि देश में प्रधानमंत्री पद के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद गृह मंत्री का होता है। 1947 में जब पहली बार देश में सरकार बनी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद देश और कांग्रेस में दूसरा सबसे बड़ा कद सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, लिहाजा वो देश के गृह मंत्री बनाए गए। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में लाल कृष्ण आडवाणी का नंबर दूसरा माना जाता था। जब वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब आडवाणी इस देश के गृह मंत्री थे। भाजपा ने अपने इतिहास की सबसे शानदार पारी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दौर में ही खेली है। मोदी और शाह की केमिस्ट्री ने भारतीय राजनीति को कई नए रंग दिखाए हैं। पूरे देश में भाजपा के विस्तार में अमित शाह ने महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। इस तरह से उन्हें मोदी के बाद भाजपा के भविष्य के तौर पर भी दर्शा दिया गया है। बात करें अनुभव की तो अमित शाह गुजरात की नरेंद्र मोदी की सरकार में गृह राज्य मंत्री का दायित्व भी निभा चुके हैं, हालांकि इस दौरान उनका नाम कई विवादों में भी आया। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि अमित शाह धारा 370, अनुच्छेद 35A, राम मंदिर, सामान्य नागरिक संहिता जैसे मुद्दों पर कठोर रुख रखते हैं, या यूं कहे तो RSS की खींची लकीर का पालन करने वाले नेता माने जाते हैं। वहीं राजनाथ सिंह भाजपा में नरेंद्र मोदी से भी सीनियर नेता थे। उन पर नरेंद्र मोदी वैसा दबाव नहीं बना सकते हैं या उनके कार्य में वैसा हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे जैसा कि वो अमित शाह के साथ कर सकते हैं। यही कारण है कि गृह मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद के लिए नरेंद्र मोदी की पसंद अमित शाह ही थे। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हों तो इसे शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।